बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के महुआ गांव में आज दो समुदाय में ताजिए निकालने को लेकर जमकर पथराव हुआ। पथराव को देखते हुए महुआ गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। हिंदू पक्ष की बात की जाए तो ताजिया पर हुई तेज आवाज में डीजे लगा रखा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था, लेकिन विरोध करते ही लोग आक्रामक हो गए और पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में किया, लेकिन गांव की बात की जाए तो गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एहतियातन महुआ गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि ताजिए को डिजिट बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने चौराहे पर ताजिए को रखकर हिंदू पथ पर कार्रवाई की मांग की। पथराव ऐसे हुआ था सर, जो कुछ भी करवाया है नरेंद्र गंगवार ने करवाया है जिला पंचायत में। कौन है नरेंद्र गंगवार? जिला पंचायत है। क्या किया उसने? यही पर उन्हीं ने उन लोगों को चढ़ाया, बोले आओ सब लोग इकट्ठे हो, एक बार बताओ यहाँ पर हम लोगों का त्योहार है तो हम होंगे ना यहाँ पर इकट्ठे, तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ पर इकट्ठे होने का? तो उन्होंने ये पछाओं से सैयदपुर के और फरीदापुर के सब लोगों को बुलवाया, ट्रालियों से ट्राली है उनकी, पछाओं खड़ू की उनका क्या गाँव में जब त्योहार हमारा। विवाद क्यों उत्पन्न हुआ था? विवाद हुआ था डीजे की वजह से कि डीजे बंद करो। अब इन्होंने परसों हमारे गेटों पर रंगबाजी करी, रंग फेंके थे, हमने कुछ नहीं की थी इन लोगों से। अब आज जब हमारा त्योहार हुआ, हमने डीजे लगाए तो पुलिस वाले आए थे, बोले अपनी डीजे बंद कर लो, हमने डीजे बंद कर लिए, फिर भी इन्होंने जारत पे, हम लोग इधर थे जारत पे, फिर भी इन लोगों ने पत्थर मारे चौराहे पे। जैसे कि आप जान रहे हैं ताजिए का जुलूस निकल रहा था, उस पर एक पक्ष को ये हुआ था कि इस पर बहुत ज़्यादा डीजे जारी लगा है, उनसे वार्ता करके वो डीजे उतरवा दिया गया और बातचीत करके उसको रवाना किया जा रहा है और कुछ लोगों की पहचान की गई है, उसमें जिन्होंने पुराना पार्टी पुलिस करी है उसके सख्त कार्रवाई की है। पुलिस के सामने पथराव हुए हैं यहाँ पर, तमाम वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें लोग पथराव कर रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ देखिए, अगर झड़प हुई है उसमें हम तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई, स्थिति सामान्य कर दी गई है और सकुशल ताजिया निकल रहा है और स्थिति इसमें लॉ ऑर्डर की सामान्य है। जिन लोगों ने शरारत करी है उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाए। विवाद का कारण क्या था, किस वजह से? सुना नहीं मैंने बताया, इन्होंने डीजे को लेकर के था कि डीजे इसमें ज्यादा है और उस पर बात करके उसको कम करवा दिया गया, क्योंकि मातम का त्यौहार है तो डीजे सीमित मात्रा में ही होना चाहिए तो बता दिया गया। इस समय स्थिति सामान्य है और सकुशल ताजिया निकल रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।